नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2019 का 51वां लीग मुकाबला मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले को मुंबई इंडियंस की टीम ने सुपर ओवर में जीत लिया है और इस मैच को जीतने के साथ ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। दोस्तों, अगर आप भी मुंबई की इस जीत से खुश हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस मैच का टॉस मुंबई इंडियंस की टीम ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने अपना पहला विकेट कप्तान रोहित शर्मा के रूप में टीम के 36 रन के स्कोर पर गवा दिया था। इसके बाद क्विंटन डीकॉक और सूर्य कुमार यादव ने दूसरे विकेट के लिए 54 रन की एक अच्छी साझेदारी की थी, लेकिन टीम के 90 रन के स्कोर पर सूर्य कुमार यादव भी आउट हो गए थे। हालांकि एक छोर से क्विंटन डीकॉक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से मुंबई इंडियंस टीम अपने विकेट गवाती चली जा रही थी। मुंबई इंडियंस की टीम अंत में निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 162 रन बनाने में कामयाब रह पाई। मुंबई इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा 57 गेंदों पर 68 रन की पारी क्विंटन डीकॉक ने खेली। वहीं टीम के लिए 18 गेंदों पर 24 रन की पारी कप्तान रोहित शर्मा ने खेली। सनराइजर्स के लिए खलील अहमद ने अपने कोटे के 4 ओवर में 42 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत अच्छी रही। टीम के ओपनर बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल और रिद्धिमान साहा ने पहले विकेट के लिए 40 रन की शानदार साझेदारी की थी, लेकिन पहला विकेट गिरने के बाद ही सनराइजर्स की पारी लड़खड़ाने लगी। एक तरफ से मनीष पांडे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से सनराइजर्स की टीम नियमित अंतराल में अपने विकेट गवाती रही और अंत में सनराइजर्स की टीम निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 162 रन ही बना पाई। सनराइजर्स के लिए सबसे ज्यादा 47 गेंदों पर 71 रन की नाबाद पारी मनीष पांडे ने खेली। वहीं मुंबई इंडियंस के लिए कृणाल पांड्या ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने 4 ओवर में मात्र 22 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। साथ ही जसप्रीत बुमराह ने अपने 4 ओवर में 31 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। बता दें, मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर खेला गया। सुपर ओवर में मुंबई इंडियंस के लिए बुमराह गेंदबाजी करने आए, वहीं सनराइजर्स के लिए बल्लेबाजी करने आए मनीष पांडे और मोहम्मद नबी। सनराइजर्स की टीम अपने दोनों खिलाड़ियों के नुकसान पर सुपर ओवर में मात्र 8 रन ही बना पाई। वहीं मुंबई इंडियंस के लिए बल्लेबाजी करने आए हार्दिक और पोलार्ड ने इस लक्ष्य को 3 गेंद पर ही हासिल कर लिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और क्रिकेट जगत की हर ताजा खबर के लिए सब्सक्राइब करें क्रिक 7 यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।